शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इखलाक। एक दफा का जिक्र है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने कुछ कैदियों को पेश किया गया। ये कैदी खारजी थे। खारजी उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ बगावत कर दी थी और आपके सख्त दुश्मन बन गए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम के चचा जाद भाई, दामाद और चौथे खलीफा थे। इल्म और नेकी के लिहाज से भी आपका बहुत बड़ा दर्जा था। उन कैदी खारजियों को जब आपके सामने लाया गया तो उन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। जो उनके मुंह में आया पकने लगे, बल्कि एक बदबख्त ने तो हद ही कर दी। कहने लगा, ए अली, अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूंगा, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के सबसे बड़े हाकिम थे। कैदियों को पूरी पूरी सजा देने का आपको इख्तियार हासिल था और फिर बदजबानी करके उन्होंने अपने आप को सजा का मुस्तहिक भी साबित कर दिया था। इन बातों की वजह से उन सबको यकीन था कि अभी आप उनको कत्ल करने का हुक्म दे देंगे, लेकिन शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें सजा देने का हुक्म देने की जगह ये हुक्म दिया कि उनको आज़ाद कर दिया जाए और अगर उनमें से किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी दे दी जाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस फैसले से कैदी हैरान रह गए। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और फिर पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए।